क्या कोरोना वायरस की वजह से ट्रेनिंग शेड्यूल तब्दील हुआ है? जिन दोस्तों ने मई के माह में ट्रेनिंग पर जाना था, क्या अब उनकी ट्रेनिंग होगी या नहीं? तमाम तर तफसील आज की वीडियो में। इन्फो पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप तमाम वीडियो से बाखबर रह सकें। जी हाँ फ्रेंड्स, बेशुमार दोस्तों के मैसेज आ रहे थे व्हाट्सएप पे भी और कमेंट सेक्शन में भी कि क्या ट्रेनिंग शेड्यूल तब्दील हुआ है। उन तमाम दोस्तों को मैं बताता चलूं कि जो ट्रेनिंग शेड्यूल, कुछ दोस्तों का ये भी कहना है कि यार ट्रेनिंग शेड्यूल में तब्दीली हो चुकी है, कोरोना वायरस के जो खतरात हैं वो आपके सामने ही हैं, तीसरी लहर जारी है, बड़ी ख़तरनाक लहर है। अल्लाह ताला, मैं दुआ करूँगा अल्लाह ताला इस लहर से मुझे और आपके तमाम प्यारों को और मेरे प्यारों को इस वायरस से बचाए। तो इससे एहतियात बहुत बेहद ज़रूरी है। तो ट्रेनिंग शेड्यूल से मतलब हम बात करते चलें तो इसमें किसी किस्म की फ़िलहाल कोई नोटिफिकेशन नहीं जारी हुआ कि ट्रेनिंग शेड्यूल में तब्दीली कोई रोनमा हुई है। जो आपको शेड्यूल दिया गया है उसके मुताबिक आपने अपने ट्रेनिंग सेंटर में रिपोर्ट करनी है। और अगर देखा जाए तो जो आपकी कोरोना वायरस की SOPs होंगी उस पर आपने सख्ती से ख़ुद अमल करना है। वो सेंटर वाले तो आपसे ज़रूर करवाएंगे, लेकिन आपने कोशिश करनी कि आप ख़ुद SOPs पर अमल करें। तो अगर बात करते चलें, दोबारा फिर मैं बताता चलूँ कि ट्रेनिंग शेड्यूल में कोई तब्दीली रोनमा नहीं हुई। आपने अपने मुतलका भर्ती सेंटर में जो आपको टाइम दिया गया है मुकर्रा टाइम पे पहुंच जाना है। तो मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप सब दोस्तों को आपके मिशन में कामयाबी अता फरमाए। तो जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब करके कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। और किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन के लिए कमेंट सेक्शन में आप रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।